पढ़ने की बात करें तो इसके ऊपर और भी बहुत सारे टूल हमारे मैनेजमेंट हमारे प्रेसिडेंट ने दे दिया। इसके ऊपर हमारी पूरी यहाँ तीन तीन लोगों ने खड़े होकर के बात किया कि 40 से 75 की श्रेणी में अब और ज्यादा हमारे पास टूल्स आ गया, वो आ गया टाइगर। बिना टाइगर के इस तरीके की दहाड़ हो रही थी। अगर हम इस सेगमेंट पे काम करना स्टार्ट करें तो इसमें 10 जो आकर्षक मॉडल ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट टीम ने बता के दे दिया, इस ऑलरेडी हमारे पास ये 10 मॉडल अलग से अपग्रेड होकर के इस एचपी कैटेगरी में 40 एचपी एंड अबव में हमें हमारे पास सपोर्ट करने के लिए आए हैं। सोचो मैनेजमेंट का यार किस तरीके से सोच रही है आपको सपोर्ट करने के लिए। ऑलरेडी हमारे पास डीआई आरएक्स सारे सीरीज चल रहे थे, सिकंदर चल रहे थे, लेकिन आपको मार्केट में कब्जा करना, इस कंपनी को चैन ना दूसरों को चैन से सोने नहीं देना है और ग्रोथ ही ग्रोथ लेके आना है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट लेके आना है। तो उसके लिए अपग्रेडेशन के लिए आपको एक अलग से टूल दे दिया है और बिगेस्ट फोर व्हील रेंज आज के डेट में हमारे पास है। मैं इसकी बात अगर करूं दोस्तों तो मैं इसको फीलिंग की बात करूं, अगर इस ट्रैक्टर की क्योंकि टेक्निकल बात हमारी प्रोडक्ट टीम ने की है, इसको देख के क्या लगता है, एक दमदार टाइगर ट्रैक्टर, एक दमदार मजबूत टाइगर ट्रैक्टर, इसको देख के क्या लगता है, अगर महाराष्ट्र की बॉलीवुड की भाषा बोले झक्कास मॉडल, ऐसा लगता नहीं लगता। तो एक बार जोरदार इस ट्रैक्टर का इसकी खूबियों इसके डिजाइन की हो रही है स्वागत, जब इसके चेहरे को देखो ना, जैसे आप जो सक्सेस होके आते हो आपका चेहरा दमकता होता है ना, 1100 डीलर में से 130 डीलर बुलाए गए, जब आप आते हो चढ़ करके ना, जिस तरीके से इस प्रोडक्ट का देखो ना क्या दमदार टाइगर की तरह चेहरा, जब एक खड़ा होता है ना बगल में, जब आप फीडिंग भी करते हो बगल में कभी ट्रैक्टर इसके खड़ा करके देखना, इसके खड़ा करके क्या इसकी आंखों देखो, आंखों में वो टाइगर का गुरूर, वो आगे की टाइगर ये देख के आप इस ट्रैक्टर को फील करोगे। और टेक्निकल दीपक जी, अंकुर जी और मलिक जी ने बताया, हमारी बाकी टीम बताई, और इसको फील कर लोगे, कोई मुकाबला नहीं। आप टाइगर और ये टाइगर, फिर कौन सा दूसरा टाइगर मार्केट में यार, कौन दूसरा टाइगर मार्केट में। इसकी फीचरों की बात करोगे ना तो मैंने बात की ना, चाहे इसकी लाइट की बात करो वो शेर की तरह रखे, इसका जब नाम जहां लिखा होता है ना जैसे लगता कोई राजशाही की कोई नाम और इस तरीके की चीजें लिखी है, जब इसकी सोनाली का आप इस तरीके देखते हैं, इसकी बैक लाइट में देखते हो कैसे, कभी आपने टाइगर ट्रैक्टर को ठीक से देखा इसकी बैक लाइट को टच करके, इसकी डिजाइन पे क्या लिखा हुआ है, शेर के पंजे के निशान की डिजाइन बनी है, ध्यान से देखना वहां टाइगर जाके खड़ा है, शेर के पंजे के निशान पे इसकी एक एक जगह में, इसकी सीट पे बैठो तो लगता है किसी महाराजा के सम्राट की सीट पे आके बैठा हुआ है, इसकी एक्स्ट्रा डिजाइन के ऊपर लॉर्ड स्पेस पे देखो तो लगता है साम्राज्य ही साम्राज्य है, और इसकी उस टाइगर ने इसकी बात देखो, फील करोगे इसको और इसकी टेक्निकल चीजें डालोगे ना दोस्तों, आपके पास जो टूल है और आपके पास जो रेटिंग से मैच करता है, आग लगाने वाली की चीज है। मैं किस किस चीज की बात करूं, फ्लाइट पे आप बैठे हो, फ्लाइट उड़ाने के लिए आप कभी केबिन में देखे हो या पिक्चरों में देखोगे ना, वो हैंडल ऐसे करता है, हाइड्रोलिक हैंडल जब करता है पायलट तो फ्लाइट उड़ जाता है, इसका हाइड्रोलिक का जो केस देखते हो ना डबल डबल लगा सर राफेल की तरफ बम भी गिराता है, उड़ता भी है, लगता है कि इस समय मर्सिडीज चला रहा है कि ट्रैक्टर चला रहा है, इस तरह की स्विच की ये सारी चीजें हैं। इसकी एक एक चीज को आप फील करोगे, इसकी टेक्निकल चीज फील करोगे तो इस एचपी रेंज में अगर दूसरा ट्रैक्टर बिक गया तो हमारे मैनेजमेंट हमारे प्रेसिडेंट सर का कुछ नहीं है, हमारी कमियां होंगी, हमारी मतलब आप और हम टीम और डीलर जिम्मेदार होंगे, इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट इतनी जबरदस्त सारी चीजें उसके बाद भी अगर हम यहाँ कर लें, बाकी तो इन एप्लीकेशन और इसकी चीजों को बताया है मलिक साहब ने कि चाहे इसकी सीसी की बात ले लो खींचने की हवा वाली ताकत, चाहे इसकी स्पीड की बात ले लो तो किस तरह की बात, और हाइड्रोलिक की बात ले लो तो चाहे वो प्रोडक्ट डिलीवर हो चाहे हॉलेज में डालना हो, और उसके बाद नए एप्लीकेशन के ऊपर में इसका सब पीटीओ बताना पड़ेगा कि कौन सा एप्लीकेशन किस जगह
कैसे यूज करना है, मार्केटिंग के अंदर से इसमें बताना पड़ेगा, आपकी प्रस्ताइन हॉर्डोरिंग में बताना पड़ेगा कि भैया ये प्याज बोने के लिए निश्चित दूरी चाहिए, थोड़ा भी आगे पीछे होगी तो फसल खराब हो जाएगी, और इसके लिए एक ही ट्रैक्टर का है जो भी काम करता हो, किसका है, किसका है, और वो प्रस्ताइन हॉर्डोरिंग में बेटर एफिशिएंसी के साथ 140 सेंसी की स्पीड में आपके पास है, फसल भी उगाता है, फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और फ्यूल भी बचाता है। इस तरह के ट्रैक्टर के साथ आपके ये सारे कमर्शियल और उस तरीके एप्लीकेशन के साथ आपके ट्रैक्टर और फोर व्हील में, तो दोस्तों स्ट्रेट एक्सल में जितनी बड़ी खिंचाई का काम हो, चाहे एमपी प्लाउ, चाहे बड़े बड़े खिंचाई का काम, और इसकी जो हैवी, चाहे वो लोडर डोजर का काम हो, और पोर्टल एक्सल में जहां पटलिंग का काम हो, उतार दो यार इसका भूसी नहीं, सीना चीर के आता है, निकल के आता है, और इसको प्रैक्टिकल करके कर देख जाता है। और इसके बाद थैंक्स टू गवर्नमेंट, थैंक्स टू प्रेसिडेंट सर इस कंसेप्ट के लिए, और इस पर पावर बूस्टर डोल डाल दिया 60 का, वन नेशन वन प्राइस, इस एसपी कैटेगरी में अलग से टूल आपको दिया, पूरे हिंदुस्तान में किसी कंपनी की आज के डेट में एक रहा, इवन ऑटोमोबाइल कंपनी की बात कर लो, कार सेगमेंट दे लो, बाइक सेगमेंट दे लो, पूरे हिंदुस्तान में एक ट्रक का एक रेट हो, असंभव, आपकी कंपनी एक प्राइस पे, और इतनी दमदार ट्रक जो एडवांस एप्लीकेशन चलाती है, जो हर चीज में सुटेबल है, ऐसा 41-50 एमपी कैटेगरी में हमारा डीलर विजयी हो, हमारा डीलर राफेल की तरह बॉम्बार्डमेंट करे, इसके लिए आपको एक नया टूल दिया है। और यार ये उत्तर प्रदेश से एग्जांपल है, यहाँ के कृष्ण साहब इनकी गाइडेंस में और सौरभ की कथुरिया जी की लीडरशिप में, मैं इस लीडरशिप को नहीं जानता, अगर यहाँ बैठे तो शायद कृष्ण जी नाम ले, दोस्तों क्या दल से वो विनिंग है, जरा देखो उत्तर प्रदेश का अगर डीलर यहाँ बैठा हो तो एक बार खड़ा कर इसके लिए ताली, यार एक बार इस डीलर के लिए ताली बजनी चाहिए यार, उस सम्मान के लिए किस तरीके से यूपी का ये डीलर प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया, लगाया बाहर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इंजन, और आगे सारा लिख दिया किसकी हिम्मत है अगल बगल घूमने की, है किसी की, ऐसे डिस्प्ले करो, ऐसे इस प्रोडक्ट को फील करो, ऐसे इस प्रोडक्ट को करो, और दोस्तों आज यूपी इस प्रोडक्ट पर धमाल मचा रहा है, एक बार यूपी के लिए फिर से इस प्रोडक्ट का सेल के लिए तालियां, और बाकी स्टेट में भी हम सबको लेना पड़ेगा, इस तरीके के डिस्प्ले करना पड़ेगा और इस तरीके से इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। दोस्तों बस इतना ही कहूंगा, मैंने क्या कहा था, इस फ्लाइट का जो है किससे क्या फूल है, आपकी हौसला, आपका जुनून, आपका आपका एनर्जी, आपका एजुकेशन, तो असली उड़ान अभी बाकी है, क्योंकि फ्लाइट चार्टर्ड है, इसकी अपनी अपनी स्पीड है, कोई पहले उड़ेगा, कोई बहुत हाई उड़ेगा, कोई बहुत उड़ता रहेगा, शानदार, असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर जमीन, क्योंकि 15-17% पे है, और बात तो यार 20 की नहीं होनी चाहिए, बात तो लीडरशिप की होनी चाहिए, बात तो 35-40-50% की होनी चाहिए, तो इसलिए अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए पूरा संसार, पूरा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया, और बहुत तालियों के साथ आपका स्वागत, अपने लिए जोरदार तालियां, मैनेजमेंट के लिए तालियां, प्रशासन के लिए तालियां, और चलते चलते आपको याद दिलाऊंगा कुलदीप जी ने जो मंत्र दिया, दो तो महामंत्र है, अगर एक एक क्लस्टर हेड और ने 1.2 की प्रोडक्टिविटी कर दी, पुष्पेल साहब ने जो दिया वो महामंत्र है, अगर प्रायोरिटी मिले जो साइंटिफिक तरीके से मैनेज